लायंस क्लब ऑफ कोलकाता विवेकानंद एवं डिस्ट्रिक्ट 322-B2 के लायंस क्लबों के सहयोग से आयोजित दुर्गा पूजा परिक्रमा में आज सैकड़ों बच्चों को महानगर की कई बड़े पूजा पंडालों का दर्शन कराया गया। इस पूजा परिक्रमा में लायंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 322-B2 की डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायनेस सुधा जायसवाल समेत संस्था के कई बड़े पदाधिकारी उपस्थित थे। सदस्यों ने बताया कि बच्चों के चेहरे पर खुशी लाने के उद्देश्य से इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कहते हैं असली खुशी वो होती है जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान ला सके। लायंस क्लब की यही एक अच्छी प्रयास रही है। आज करीब सैकड़ों बच्चों को लेकर वो पूजा परिक्रमा पर निकले हैं। क्या कुछ खास आज है इस कार्यक्रम में, लोगों से मैं इनके जो प्रतिनिधि हैं इनसे ही जान लूँगा। अनूप वर्मा जी हमारे साथ उपस्थित हैं। सर, किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया आपने, किस उद्देश्य से किया है? हम लोग 2008 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था, और जो ऑर्फन बच्चे हैं, फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं, सीनियर सिटीजन, इनको लेकर हम लोग प्रोग्राम करते हैं। और आज हमारे साथ 80 बच्चे हैं यहाँ पे, और जिनको लेके हम चल रहे हैं, और जितनी बड़ी पूजा है वो हम दिखाते हैं, जहाँ पे बच्चे घुस नहीं सकते, या जो ये जैसे आज सुरुचि संघ है या बोसपुकुर है, ऐसी बड़ी पूजाओं को घुसाते हैं, चित्रा अग्रणी है वैसे घुसाते हैं, वहाँ अच्छे से पूजा घुमाते हैं, इनको नए कपड़े देते हैं, और पूरी हॉस्पिटैलिटी इनकी दिन भर की हम लोग क्लास हॉस्पिटैलिटी हम लोग करते हैं इनके साथ। किस तरह का आनंद आता है इस तरह का कार्यक्रम आयोजन? इसमें बहुत ही आनंद आता है, गरीब बच्चों को लेके उसके संबंध में कुछ करना, उनके कपड़ा देना, उनको मिठाइयाँ देना, उनको खाना देना, ये बड़ी आनंद की बात है और बड़ी अच्छी बात है। सर, भविष्य में और कुछ योजना इस तरह के कार्यक्रमों को लेकर आप लोग? सर, बात है ना, जो देखिए पूजा का तो इज ए गुड फेस्टिवल, सो वी आर अप्रिशिएटिंग ऑल द थिंग्स। ठीक है, अगला साल क्या होगा जरूर करेंगे। लायंस क्लब ऑलवेज फॉर द पुअर, ऑलवेज फॉर द नीडी, ऑलवेज फॉर द पीपल। लायंस क्लब की क्या प्रयास रही है हमेशा से? लायंस क्लब हमेशा यही चेष्टा करती है कि कैसे समाज के अंदर में सुधार करें, क्या बदलाव लेके आए। हमारा मेन उद्देश्य वी सर्व है, हम हमेशा यही चेष्टा करते हैं बच्चों के चेहरे पे मुस्कान लेके आए। जो नीचे तबके के बच्चे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको कैसे अपने माइलेज दें, उनको कैसे इस प्लेटफॉर्म में लेके आए, वो आज लायंस क्लब के माध्यम से ही हो पाता है। सर, इस तरह के कार्यक्रम में आज भाग लिए हैं आप, किस प्रकार का आनंद, क्या कुछ प्रतिक्रिया आप? এই বাচ্চাদের নিয়ে বেরোনো বা ঘোরা, এর মধ্যে একটা আনন্দ আছে, আমরা সেই আনন্দটা ফিল করি, এবং বাচ্চারাও যাতে আনন্দ পায় তাদের আমরা হেল্প করি। এবং আমাদের এটা হয়ে আসছে প্রত্যেক বছর, ক বছর ধরে হচ্ছে, এবছর হয়েছে 2008 থেকে হচ্ছে, গত বছর হয়েছে, আবার আশা করছি সামনে বছর এরকম ভালোভাবে আমরা করতে পারবো। সবই সদস্য কাফি আনন্দ মে হ্যায় আর সেকড়ো বচ্চোকে সাথ আজ পূজা পরিক্রমা মে নিকলে হ্যায় মহানগর কে করিব 11 পূজা পন্ডালো মে জানে কি ইনকি যোজনা হ্যায়। ইসি কে সাথ বচ্চো কা মনোরঞ্জন করেঙ্গে, উনকে খানে পিনে কি সারি ব্যবস্থা করেঙ্গে। স্যার, কিস তরহ কা আনন্দ? ই আনন্দ নাই বোলে, যদি ইয়ে বোলে কি ভাই পরমানন্দ কি বাত হ্যায় তো अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम लोग अंडर प्रिविलेज बच्चों को पूजा घुमाते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, पूरा दिन का प्रोग्राम है। देश कलकत्ते की जो बड़ी बड़ी पूजा है, जहां पर हम लोग के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि जाना, वहां हम लोग बच्चों को लेके जाते हैं और बड़े आनंदित महसूस करते हैं। जी आनंद नहीं, ये परमानंद है। सर, इस तरह के भविष्य में किस तरह की सेवाएं देने की और आपकी योजना है इस संस्था के माध्यम से? हम लोग लायंस क्लब के माध्यम से ये चेष्टा करते हैं, जो भी सेवा दूसरे नहीं कर सकते हैं वो हम लोग करें, जिससे क्या होता है जो प्रिविलेज बच्चे हैं उन, एक्चुअली हम लोग का मोटो है गरीबों की सेवा करना, वी सर्व। हम लोग गरीबों की सेवा करने निकले हुए, चाहे कोई भी माध्यम से हो, गरीबों की सेवा करने। इसमें बच्चे ऐसे हैं जिन जो जा नहीं सकते, उसको हम लोग लेके जा रहे हैं, जिससे उनके चेहरे पे जो हंसी है वो हंसी हम लोग के चेहरे पे। दिन भर का किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है सर? हम लोग जो अभी शुरू कर रहे हैं, ये बच्चों को करीब 1-1.5 बजे तक तो करीब 5-6 पूजा कभी घुमाएंगे, उसके बाद उनका खाने का अरेंजमेंट है साउथ सिटी में, वहाँ पर उनके लिए मनोरंजन के कुछ कार्यक्रम किए जाएंगे, उनको खाना खिलाया जाएगा, वहाँ पर उनको गिफ्ट हैम्पर दिए जाएंगे। उसके बाद हम लोग सेकंड राउंड शुरू करेंगे, जिसके अंदर में हम लोग साउथ साइड की जो पूजा है उस पर उनको दिखाएंगे। करीब 5 बजे तक बच्चों को घुमाने के बाद में फिर हम लोग शाम के टाइम के अंदर में पूजा को रेटिंग करते हैं, उस काम के अंदर में लग जाएंगे।
अपने विभिन्न समाज सेवा कार्यक्रमों के तहत ये एक नया प्रकल्प इन्होंने इनका भी है कि करीब सैकड़ों बच्चों को लेकर आज वो महानगर की पूजा परिक्रमा पर निकले हैं। काफ़ी ज़्यादा संख्या में लायंस क्लब के सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी सदस्य अपनी प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं कि ये सिर्फ आनंद का विषय नहीं बल्कि परमानंद का विषय है, क्योंकि किसी बच्चे के चेहरे पर खुशी लाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, किस तरह का कार्यक्रम आजकल आयोजन? तो प्रथम कथा हे लायंस मोटाई हे उ सार्व से उ सार्वर एक प्रोग्राम हे आज के पूजा परिक्रमा। से पूजा परिक्रमार मध्य मेनलि बाच्चाদেরকে নিয়ে আমরা সারা দিনের একটা প্রোগ্রাম রেখেছি। তাদেরকে আনন্দ দেওয়াটাই হচ্ছে আমাদের প্রধান আনন্দ। ও বাচ্চাদের সঙ্গে আমরা বড়রাও আনন্দ পাই তাদেরকে আনন্দ দিয়ে। এই মোটেই আছে আমাদের প্রধানের যে উই সার্ভ। इसी उद्देश्य से ये पूरे कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। और भी कई सदस्य हमारे साथ उपस्थित हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया जान लेते हैं किस तरह के कार्यक्रम में किस प्रकार का आनंद उसे मिल रहा है। देखिए, बच्चों के चेहरे पर जब खुशी आती है ना, वो देखते एक अलग आनंद है। और हम लोग का ये कार्यक्रम नहीं, आज हम लोग का 3 कार्यक्रम हो रहा है। एक यहाँ से निकला है, एक कचरापाड़ा में है हो रहा है, और एक मिनरवा ट्रेडर से निकला है। और बच्चों की हंसी खुशी के लिए ही हम लोग सब कुछ करते हैं। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सुधा जायसवाल ने कहा, सभी संस्थाओं के सहयोग से यह एक खास प्रकल्प लिया गया है जिसमें बच्चों ने काफी आनंद उठाया। बच्चों पे के मुंह पर हंसी लाने का प्रयास है, ये हमारा सबसे पहले जो बहुत अच्छी बात आपने कही है कि ये हमारा लायंस क्लब इंटरनेशनल का मोटो ही है, वी सर्व बाय स्प्रेडिंग स्माइल्स ऑन द फेस ऑफ नीडी वन। उसमें बच्चे ही नहीं आते हैं, बड़े भी आते हैं, सारे ऐसे लोग आते हैं जिनको उस हंसी की, उस स्माइल की, थोड़े से मुस्कुराहट की ज़रूरत है जिससे वो किसी कारण से वंचित रह गए हैं। तो आज का ये जो स्पेशल कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है इन लायंस क्लब डिस्ट्रिक्ट 322B2 के द्वारा, क्लब्स के द्वारा जो कई क्लबों ने मिलकर किया है और जिसका कि इनिशिएटिव हमारे पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अनु कुमार वर्मा जी ने लिया, ये उनका ब्रेन चाइल्ड है। और इसके साथ भी और भी हमारे बहुत सारे इसमें पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इन्वॉल्व हैं, हमारे सारे क्लब्स इन्वॉल्व हैं। तो हर साल हम ये कार्यक्रम इन बच्चों को पंडाल घुमाने के लिए करते हैं। वैसे तो इनकी ज़िंदगी में भगवान ने मुस्कुराहट दिया है, लेकिन किसी भी ओकेजन पर, चाहे वो पूजा का आयोजन हो या किसी और त्यौहार का आयोजन हो, तो आज हमें ये दुर्गा पूजा बंगाल की ये जो है पहचान है, पश्चिम बंगाल कोलकाता दुर्गा पूजा के सेलिब्रेशन के रूप में जाना जाता है पूरे वर्ल्ड में। तो दुर्गा पूजा में ये जो ये परंपरा हमारे द्वारा शुरू की गई है, तो कि बच्चों को हम लोग पंडाल ले जाते हैं, उन्हें पंडाल घुमाते हैं और उन्हें नए कपड़े देते हैं और उन्हें खाने की मिठाइयाँ और सारे फूड पैकेट्स दिए जाते हैं और थोड़ा सा उनके लाइफ में हम खुशी बिखेरने की कोशिश करते हैं कि उन्हें भी लगे कि हम भी कर सकते हैं या हमारे लिए भी एक अच्छा दिन आ सकता है। ये कोशिश जो की है लायंस क्लब के क्लब्स ने, इंटरनेशनल लायंस क्लब जो डिस्ट्रिक्ट के कई क्लबों ने मिलकर और उसमें जो सहयोग दिया है, मैं उन सभी क्लबों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने आगे बढ़कर इसमें हिस्सा लिया, इनिशिएटिव लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर हर एक लायन मेम्बर के चेहरे पर आपको वो हंसी और वो मुस्कुराहट और वो खुशी दिखाई देगी कि हाउ देर इन्वॉल्व। वो सभी सिर्फ ये काम करते नहीं है बल्कि इसमें वो पूरी तरह से इन्वॉल्व है और रम गए हैं जिसे कहते हैं, और पूजा के माहौल को, खुशी को दुगना कर दिया उन्होंने। लायंस क्लब ऑफ कलकत्ता काकुड़गाछी के अध्यक्ष मोहित अग्रवाल ने बताया, जिस प्रकार से हम सभी पूजा त्योहार मनाते हैं उसी प्रकार से इन बच्चों को भी त्योहार मनाने एवं आनंद उठाने का अधिकार है। इसी उद्देश्य से आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस वक्त हमारे साथ लायंस क्लब ऑफ काकुड़गाछी के अध्यक्ष मोहित अग्रवाल जी उपस्थित हैं। सर, इस तरह के कार्यक्रम किया गया है लायंस क्लब की ओर से, क्या सोच है? सोच यही है कि हम लोग तो अपने परिवार को लेकर घूमते हैं, बट ये बच्चों को वो साधन नहीं है कि वो बड़े बड़े दुर्गा बाजार पंडाल में जा पाएँ। तो इसीलिए इस बार हमने ट्राई किया अपनी तरफ से कि नॉर्थ, साउथ और कचरापाड़ा एरिया में बच्चों को, जितने बच्चे हो सकें या ओल्ड एज लेडीज़ हों, उनको दुर्गा पूजा घुमाएँ, सारी व्यवस्था के साथ घुमाएँ। आज हमारा 2 तारीख को साउथ कलकत्ता और नॉर्थ कलकत्ता में 2 प्रोग्राम हो रहे हैं, जहाँ पे साउथ में हम 80 बच्चों को लेकर दुर्गा पूजा पंडालों में जा रहे हैं और उन्हें बड़ी बड़ी पूजा पंडालों का दर्शन करवा रहे हैं। और वही जो नॉर्थ में हो रहे हैं, वहाँ पे हम 50 ओल्ड एज लेडीज़ को लेकर जा रहे हैं, जहाँ पे नॉर्थ कलकत्ता के बड़ी बड़ी पूजा पंडालों में उनको दर्शन करवा रहे हैं। ऐसा है कि दुर्गा पूजा जो उत्सव है,
वो खुशी का माहौल होता है। हर कोई हर जगह से बाहर से जो भी कलकत्ता के बाहर रहते हैं वो लोग भी आते हैं और परिवार के साथ खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन जो अब इन बच्चों को जो हम लोग पंडाल में लेके जा रहे हैं, इनको जो खुशी मिल रही है, इनके चेहरे की खुशी देखकर खुशी पूजा की दुगुनी हो गई है। तो हमारे लिए इससे ज़्यादा और खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती। एक ही उद्देश्य है लायंस क्लब की कि बच्चों के चेहरे पर ज़्यादा से ज़्यादा खुशी आ सके, इसी उद्देश्य से ये लोग आज निकले हैं और इसी प्रकार से पूरे महानगर की पूजा पंडालों की परिक्रमा करेंगे। इस मौके पर बच्चों में भी काफी उत्साह देखा गया। पूजा परिक्रमा में शामिल बच्चों ने बताया आज उन्होंने इस कार्यक्रम में जमकर आनंद उठाया एवं पूजा पंडालों का दर्शन किया। इस वक्त हमारे साथ पूजा परिक्रमा में शामिल हुए कुछ बच्चे भी उपस्थित हैं। हम उनसे जान लेंगे कि ये किस तरह का आनंद उठाया उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम में। किस तरह का आनंद उठाया? हमने बहुत मजा किया। हम हावड़ा से आए हैं, हमने बहुत दूर तक गए और बहुत तरह तरह के और पंडाल देखे और मूर्तियाँ देखी। इस तरह का पूजा का पहले आप लोगों ने आनंद उठाया कभी? नहीं, हम लोगों ने नहीं उठाया। आज क्या क्या किया? आज हम लोगों ने बहुत मस्ती की। क्या क्या किया सारा दिन आप लोगों ने? आज हम लोग सारा दिन बहुत अच्छे से घूरे, अच्छे से मस्ती किए, डांस किए, इधर हम लोग को बहुत सम्मान मिला। कैसा लगा इस तरह का कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगा। आप भी पार्टिसिपेट कर पाए आज के इस कार्यक्रम में, कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं मेरी मम्मी और पापा को बहुत शुक्रिया बोलता हूँ मुझे यहाँ पे भेजने के लिए, और मैंने बहुत दोस्त भी बनाए। काफी ज्यादा संख्या में आज बच्चे उपस्थित थे, आपने किस तरह से एंजॉय किया इस कार्यक्रम? एंजॉय किया कि मतलब मेरे बहुत दोस्त हो गए और मैं उन लोगों के साथ खेलना शुरू कर दिया और वो सब मेरे मतलब अभी अच्छे दोस्त हो गए। पूजा परिक्रमा की संयोजक संस्था लायनेस क्लब ऑफ कलकत्ता विवेकानंद के अध्यक्ष शाश्वती मजुमदार एवं कोषाध्यक्ष पायल दवे ने बताया, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अनूप वर्मा के प्रकल्प को हम सभी सदस्यों ने मिलकर पूरा करने का प्रयास किया है। संस्था के प्रेसिडेंट और ट्रेजरर इस वक्त हमारे साथ हैं। हम उनसे जान लेंगे कि आज ये जो पूरा कार्यक्रम था, इस पूरे कार्यक्रम को करने के पीछे इनका क्या उद्देश्य था। पायल दवे जी हमारे साथ उपस्थित हैं, इस वक्त संस्था की ट्रेजरर हैं। पायल जी, क्या सोच थी इस पीछे इसके जो इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजन? देखिए, पूजा सबके लिए होता है, तो हम लोग जो ज़रूरतमंद बच्चा है उन लोगों को लेके ये पूजा परिक्रमा का जो प्रोग्राम है किए है। इसमें सबसे ज़्यादा हम लोगों के साथ एसोसिएट है अनूप जी पूरा पूजा का जो है पूरा संगठित किया है। हम लोग कैसे कर सकता है, हम लोग एक ही एम है, जो लोगों को नहीं मिलता पूजा घूमना वो लोगों को कैसे पूजा घुमाएंगे, और उन लोगों को भी दिखाना चाहते हैं कि ऐसा कलकत्ता में ऐसा ऐसा जगह है, बड़ा बड़ा जगह है जहाँ पे बच्चा जाके आराम से देख सकता है। हम लोग इसके लिए लग्जरी, उन लोगों के लिए लग्जरी सब व्यवस्था किए हैं। प्रेसिडेंट शाश्वती मजुमदार जी हमारे साथ है। शाश्वती जी, इसके पीछे किस प्रकार से योजना बनाए आप लोगों ने, इतने सारे बच्चों को इकट्ठा किया, किस तरह से किया इसका? पिछले 12 सालों से हम लोगों का क्लब का जो पीडीजी है अनूप वर्मा जी, इनका ब्रेन चाइल्ड से ही ये जो प्रोग्राम है ये चलता है। सब जितना भी अरेंजमेंट है ज़्यादातर ये अनूप जी का ही है, और जो बच्चे लोग हैं हम लोग का टारगेट रहता है, जो वंचित होते हैं सब कुछ से, उन लोगों के साथ हम लोग पूजा को मनाएं, क्योंकि पूजा तो सबके लिए होता है, तो वो लोग क्यों अलग रहेंगे। और पिछले 3 महीने से ये सब हम लोग अनूप जी के नेतृत्व में करते आ रहे हैं, और इसके बाद हम लोग का जो प्रोग्राम होगा, ये प्रोग्राम है लायन सारद सम्मान, इसका भी पिछले 3 महीनों से हम लोग अनूप जी के नेतृत्व से ही काम कर रहे हैं। कितने बच्चों को आज? 80 बच्चे हैं। ये बच्चे लोग सब साकराइल से आए हैं और सुबह से आके हम लोग के साथ इतना मस्ती कर रहे हैं। साउथ सिटी वालों को भी जो कॉम्प्लेक्स का आयोजन है उनको भी बहुत बड़ा धन्यवाद, क्योंकि ये सब अरेंजमेंट उन लोगों के वजह से, जो लंच का अरेंजमेंट किया गया उन लोगों के बदौलत ही हुआ है। किन किन जगहों पर गई आज आप लोगों ने और किस तरह का आनंद? हम लोग पहला जो फ्लैग ऑफ था वो फ्लैग ऑफ था देशोप्रिय पार्क पूजा कमेटी के वहाँ से, उसके बाद हम लोग गए त्रिधारा, उसके बाद गए बालीगंज कल्चरल सिटी, उसके बाद एकडलिया, उसके बाद बोशपुकुर तालबागन होके हम लोग यहाँ आए हैं। इस तरह से पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया लायंस क्लब के लगभग कई सदस्यों के साथ मिलकर, कई संस्थाएं थे इसमें और काफ़ी ज़्यादा संख्या में इसमें सदस्य भी उपस्थित थे। हर साल ये इस तरह के कार्यक्रम को करते आए हैं, भविष्य में भी इनकी इसी तरह से कार्यक्रम करने की इनकी योजना है, जिससे कि जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको इस तरह की सुविधाएँ मिल पाए। कैमरा पर्सन तपोन्द्र के साथ राजू शाह, युवा शक्ति, कोलकाता। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।